फिर वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता, वायरस गरीब बस्ती में फैलेगा तो अमीरों के घरों में भी जाएगा। तो इस मामले को हम किस तरह से देखें? लॉकडाउन तो बहरहाल बरकरार नजर आ रहा है मुल्क में। देखिए नीलम, ये जो है मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट इज द कंफ्यूजन इन हिज माइंड, कि आया या तो वो लॉकडाउन को कर्फ्यू और लॉकडाउन में जो है वो और स्मार्ट लॉकडाउन कई असलाहत वो यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उससे दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, प्रोविंसेस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखें कि लॉकडाउन जो है इट्स कॉन्टीन्यूड, और खुद नोटिफिकेशन होता है कि 9 तारीख तक इसको फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन कि ये जो है ये क्या है फिर, ये जो सारे कारोबार बंद हैं, इट्स द लॉकडाउन कि आपने जो है सिलेक्टिव से जो है सिर्फ फूड आउटलेट्स और ग्रॉसरी स्टोर्स को खोलने की इजाज़त दी हुई है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉकडाउन। तो इससे वो क्या यानी ये जो है तासर देना चाहते हैं, इससे एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि लोग जो है शटर खोल के बैठ जाते हैं, दुकानदारों को संभालना प्रोविंसेस के लिए मुश्किल हो जाता है, लोगों को वो बेचारे कन्विंस करते हैं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से उनको जो है वो जब आप नरमी दिखाएंगे तो उससे जो है सिवाय इसके कि कन्फ्यूजन बढ़े